अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। आज हम मैथ्स के क्वेश्चन करेंगे। इनिशियल टेस्ट में जो मैथ्स के क्वेश्चंस आते हैं, इससे पहले मैं जिन स्टूडेंट्स ने हमारे चैनल को आज सब्सक्राइब किया है उन्हें मैं बताती चलूँ कि 145 लॉन्ग कोर्स की हम प्रिपरेशन करवा रहे हैं इनिशियल टेस्ट की, जिसमें वर्बल नॉन वर्बल पोर्शन है। अगर आपसे वीडियोज़ मिस हो गई हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपको सारी वीडियोज़ जो हैं वो मिल जाएंगी। आज हम मैथ्स में इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव और ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस करेंगे, उनके फॉर्मूलाज देखेंगे, उनकी एडिशन, उनकी सब्ट्रैक्शन और उनकी मल्टीप्लिकेशन को आज मैं उनके बारे में आपको बताऊंगी। चलिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मैं आपको बताऊंगी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज के बारे में। जो क्वेश्चन सिर्फ मैं आपको इसका शॉर्ट बताऊंगी, वही बताऊंगी जो क्वेश्चंस पेपर इनिशियल टेस्ट में आते हैं। हम ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे इन क्वेश्चंस की। लेक्चर स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। मैं आपको अब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बताती हूँ, जिसमें थ्री मेजर हैं, साइन थीटा, साइन, राइटिंग को इग्नोर कीजिएगा, साइन थीटा, कॉस थीटा, ये सी है, सी और कॉस थीटा एंड टेन थीटा, ये थ्री हैं। अब वन ओवर कॉस थीटा इज इक्वल टू सेकेंड थीटा। वन ओवर कॉस को हम सेकेंड सेकेंड थीटा कहेंगे, वन ओवर साइन को कोसेकेंड थीटा कहेंगे। ये आइडेंटिटीज आपने याद रखनी है, ये एमसीक्यूज में आ सकती हैं। अगर एमसीक्यूज में ना भी आए तो ये आगे जो है फॉर्मूलाज में यूज़ होंगी। इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव्स जब इनके साइन कॉस के लेंगे तो उसके लिए इनको याद करना ज़रूरी है। वन ओवर टेन थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, या कॉट थीटा इज इक्वल टू वन ओवर टेन थीटा। इसी तरह टेन थीटा किस चीज़ के इक्वल होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा और कॉस थीटा, एंड कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा और साइन थीटा, और साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू वन। ये एक आइडेंटिटी फॉर्मूला है, ये याद करना है। टेन स्क्वेयर थीटा प्लस वन इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वेयर थीटा, एंड वन प्लस कॉट स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वेयर थीटा। ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं जो आपने इनको याद करना है। ये ट्रिग्नोमेट्री का टेबल है आइडेंटिटीज का। साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू 0, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2, साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2, साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू √3/2, एंड साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1। इस टेबल को याद करने की डिफरेंट ट्रिक्स हैं। जो मैंने ट्रिक बनाई है वो यही है कि 0 से स्टार्ट करें साइन 0, और उसके बाद 1/2, और जो 45 होगा वो 1/2 पहले लिखा है तो 1/2 का स्क्वेयर कर लेंगे, अंडर रूट कर लेंगे। और सेकंड जो है 60 डिग्री, तो वो 2 के बाद क्या आता है, 3, √3 कर लें और 2 एंड 1। साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1। ये स्टूडेंट्स ये पूरा टेबल है जिसमें से साइन 90, कॉस 90, साइन 0, और उसके बाद 10 90 अनडिफाइंड वैल्यू है, 10 0 0 है। ये इनिशियल टेस्ट में ये क्वेश्चन इस तरह आ सकता है कि 10 90 इज इक्वल टू 1 अनडिफाइंड √2, इस तरह ऑप्शंस आ सकती हैं। उनमें से एक ऑप्शन जो है वो आपको सेलेक्ट करनी होगी। तो ये टेबल आप 3 4 दिन में, जिन लोगों ने पहले जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं और वो जो इनिशियल टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यही है कि आप इस टेबल को लिखें, इसको अपने रूम में अपने कबर्ड के बाहर लगा लें, और इसको 3 4 दिन मुसलसल अगर आप इसको रिवाइज करते रहेंगे तो ये टेबल जो है वो आपको याद हो जाएगा। स्टूडेंट्स एक वीडियो मैंने ऑलरेडी एंगल्स के नेम्स के ऊपर बनाई हुई है कि इस एंगल को क्या कहते हैं। अगर इतनी डिग्री का 90 डिग्री से अबव एंगल हो या 90 डिग्री से बिलो एंगल हो तो उस एंगल का क्या नाम है, उसके लिए मैंने वीडियो बनाई ऑलरेडी बनाई हुई है। उसका लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो ये ट्रिग्नोमेट्री के एंगल्स के जो पूरे जो पोर्शन को कंप्लीट करने के लिए, इस पोर्शन के बाद आप उस वीडियो को देखें, वहाँ पे एंगल्स के नेम्स हैं
और उसके बाद आप ये जो नेक्स्ट पोर्शन हम स्टार्ट करेंगे ये डेरिवेटिव के बारे में होगा, जिसके में मैम बारे में आपको डेरिवेटिव के फॉर्मूलाज, उनकी सिंपल एडिशन, उनकी सब्ट्रैक्शन, उनकी मल्टीप्लिकेशन करवाऊंगी। बस इतना करने की ज़रूरत है, इससे ज़्यादा जो है वो आपको इनिशियल टेस्ट में नहीं आएगा। इससे प्रैक्टिस के लिए आप गूगल पर जाकर सर्च करके क्वेश्चन की मज़ीद प्रैक्टिस जो है वो कर सकते हैं। चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स ही है, इसको ऐसे बोलेंगे डेरिवेटिव ऑफ एक्स। तो डेरिवेटिव्स के फॉर्मूलाज को पहले देखेंगे। डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन, ये फॉर्मूलाज हैं, इनको हमें एज इट इज़ याद करना है। डेरिवेटिव ऑफ एक्स, एक्स का जो डेरिवेटिव होगा इसको वन के इक्वल लिखेंगे। अब डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स, ए जो है कोई भी कांस्टेंट वैल्यू है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये दो जो हैं वो अलग हैं। तो कांस्टेंट वैल्यू का जो डेरिवेटिव है उसमें जो ये दो अलग अलग वैल्यूज़ हैं और ए को बाहर निकालेंगे डेरिवेटिव से, तो अब डेरिवेटिव ऑफ एक्स बचेगा जो जो फर्स्ट फार्मूला से रिजेम्बलेंस करता है, तो ए वैसे आ गया और डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्या है, वन। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स इज इक्वल टू ए, क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ एक्स वन के इक्वल है, तो ए आंसर आ गया। अब थर्ड फॉर्मूला पे डेरिवेटिव ऑफ एक्स की पावर एन। ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव कैसे फाइंड करेंगे, इसका डेरिवेटिव बहुत सिंपल है। पावर जो है वो स्टार्टिंग में आ जाएगी, स्टार्ट में आ जाएगी, पावर जो है वो स्टार्ट में आ जाए, जो पावर है एक्स की, डेरिवेटिव ऑफ एक्स ऑफ एन में जो पावर है उसको स्टार्टिंग में लिख लेंगे, यानी एन। अब हम कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं एक्स की पावर 4, सही है। अब 4 जो था, अब हम इसको एग्जांपल्स के थ्रू सॉल्व करते हैं। एक्स की पावर 4 ले लेते हैं, डेरिवेटिव ऑफ एक्स की पावर 4, तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स की पावर 4 कैसे लेंगे, डी ओवर डी एक्स, एक्स एंड एक्स की पावर 4। अब इसको क्या करेंगे, 4 जो है वो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला 4 स्टार्टिंग में और एक्स की पावर एन माइनस 1 है, तो 4 माइनस 1 3। अब नेक्स्ट जो है ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, साइन कॉस और टेन, इनके जो है माइनस साइन एक्स आ जाएगा और जो उसका है माइनस कॉस एक्स और दूसरे का सिकेंड स्केयर एक्स। सेम टेन का है सिकेंड स्केयर एक्स और कॉट का डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स का है माइनस को सिकेंड स्केयर एक्स। ठीक है, ये सी एस सी स्केयर को सिकेंड स्केयर बोलेंगे। डेरिवेटिव ऑफ कोसेकेंड एक्स माइनस सेकेंड एक्स और कॉट एक्स, और ये जो 10 और 11 फॉर्मूलाज हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैसे नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव, जिसको क्या बोलेंगे, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स, और ई जो है कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, इसको मैथ में ई को एक्सपोनेंशियल कहते हैं। ई की पावर डेरिवेटिव ऑफ ई की पावर एक्स इज इक्वल टू ई एक्स। और अब 12 फॉर्मूला है, डेरिवेटिव ऑफ ई की पावर एक्स इज इक्वल टू ई एक्स। अब 12 फार्मूला है ए की पावर एक्स। ठीक है, ए कोई भी कॉन्स्टेंट डिजिट है, ए की पावर एक्स इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ ए, इसको पूरे को मल्टीप्लाई कर देंगे ए ऑफ एक्स से। ठीक है, अब इस डेरिवेटिव ऑफ 6 की पावर एक्स, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ ए की पावर एक्स, तो नेचुरल लॉग ऑफ 6 इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये होल ये नेचुरल लॉग ऑफ 6 को ब्रैकेट में लिख लिया, नेचुरल लॉग ऑफ 6 और 6 की पावर एक्स। सो ये डेरिवेटिव ऑफ 6 ऑफ एक्स का डेरिवेटिव जो है वो ये हो जाएगा। आगे साइन इनवर्स का डेरिवेटिव 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, टेन इनवर्स का डेरिवेटिव 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और सेकेंड इनवर्स का डेरिवेटिव 1 ओवर अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। स्टूडेंट्स, ये डेरिवेटिव्स थे। अब मैं आपको इन डेरिवेटिव्स, इन फॉर्मूलाज को यूज़ करते हुए डेरिवेटिव्स के कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगी, जिससे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चंस करते हैं जिनमें ये फॉर्मूलाज जो हैं वो यूज़ होंगे।
डेरिवेटिव्स के ये कुछ रूल्स हैं जिसमें एडिशन आती है और मल्टीप्लिकेशन आती है, पावर है और इनवर्स है। अब एफ प्लस जी का ये जो ऊपर छोटी सी डैश डाली हुई है ये है डेरिवेटिव। एफ प्लस जी इस होल का डेरिवेटिव लेना हो, अगर दो फंक्शन हो, जैसे मैं आपको बताती हूँ कि एक फंक्शन हो गया x3 और दूसरा जो फंक्शन है e की पावर x है। ये फॉर्मूला में हम लोग पढ़ चुके हैं कि डेरिवेटिव ऑफ ई की पावर एक्स क्या होता है। जब तक आप फॉर्मूलाज को याद नहीं करेंगे तब तक आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। जो मैंने फॉर्मूलाज आपको बताए हैं उन्हें एक शीट पे लिखें और उसके बाद जो क्वेश्चंस को सॉल्व करना है आपने। अब ये डेरिवेटिव ऑफ ई एक्स की पावर 3 प्लस ऐसे दो डेरिवेटिव अगर हमें ब्रैकेट में दिए हों और उन्होंने कहा हो कि इसका डेरिवेटिव फाइंड करें, तो इसका डेरिवेटिव इस तरह फाइंड करें कि दोनों का अलग अलग आप डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं। एफ ऑफ एक्स जो है ये भी एक फंक्शन है और जी भी एक फंक्शन है। ये दो जो है अलग अलग फंक्शन है, इन दोनों पे सेपरेट सेपरेट अप्लाई होगा। ये अब इन दोनों का डेरिवेटिव लेंगे तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स की पावर 3 यानी कि डेरिवेटिव ऑफ एक्स की पावर एन जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था उसमें 3x² आ जाएगा, पावर स्टार्टिंग में आ जाएगी और पावर में से एक नेगेटिव कर देंगे। तो 3x² प्लस डेरिवेटिव ऑफ ई की पावर एक्स सेम होता है तो वो ई 3x² प्लस ई एक्स जो है वो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा। ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताई है कि डेरिवेटिव यू फाइंड करेंगे। उसके बाद सेकेंड है मल्टीप्लीकेशन में, सेम एज इट इज़ यही एग्जाम्पल ले लेते हैं। उसमें फर्स्ट जो है वो एज इट इज़ आएगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकेंड का डेरिवेटिव लेंगे। अब सेकेंड यहाँ पे हमारे पास ई की पावर एक्स तो उसका डेरिवेटिव सेम होता है। उसके बाद सेकेंड फंक्शन एज इट इज़ लिखेंगे, ई की पावर एक्स एज इट इज़ लिख दिया और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन 3x². जब मल्टीप्लीकेशन में दो जो डिफरेंट फंक्शन मल्टीप्लाई कर रहे हो रहे हूँ और उनका डेरिवेटिव फाइंड करना हो तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज़ और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। एडिशन ऑफ डेरिवेटिव, फर्स्ट स्टेप में सब को सेपरेट लिख ली है। अब वही कि 3 एक कॉन्स्टेंट डिजिट था, फॉर्मूला देखें सेकेंड ये फॉर्मूला डेरिवेटिव्स में जो सेकेंड मैंने फॉर्मूला बताया था ये वो लगेगा। 3 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव से बाहर आ गया। डेरिवेटिव ऑफ एक्स की 2x आया, 2 स्टार्टिंग में आ गया, एक्स की पावर एक कम हो गई वो एक्स ही हो गया, -2x था, 2 कांस्टेंट था बाहर आ गया। और उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ एक्स 1 और डेरिवेटिव ऑफ 1 0, तो 6x -2 जो है वो इसका डेरिवेटिव होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल भी प्रैक्टिस के लिए है, टू फंक्शंस ले। अब ये टू फंक्शन की एडिशन और टू फंक्शन की मल्टीप्लिकेशन आपकी प्रैक्टिस के लिए। एक फंक्शन एफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, एफ ऑफ एक्स का मतलब होता है कि आपने इसका डेरिवेटिव लेना है, और आप एफ के ऊपर डैश ऑफ एक्स का मतलब होता है कि ये डेरिवेटिव की वैल्यू है। अब ये एफ ऑफ एक्स है इज इक्वल टू एक्स है, और एफ जी ऑफ एक्स जो है ये दूसरा फंक्शन है, इसको इसको रिप्रेजेंट कर लिया नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। ठीक है, ये दो फंक्शन है, इसकी आपने एडिशन भी करनी है, इसकी आपने सब्ट्रैक्शन भी करनी है, ये दोनों। और अगर ये दोनों फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्रोडक्ट रूल है ये, इसमें वही डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन एज इट इज़, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ और डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन सेम आपने इसको करना है। और जो डिवाइड हो रहे हूँ उसके लिए भी फर्स्ट फंक्शन का एफ के ऊपर जो डैश है इसका मतलब है इसका डेरिवेटिव, एफ ऑफ एक्स का आप डेरिवेटिव लेंगे, जी को एज इट इज लिखेंगे, माइनस एफ एज इट इज फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन ओवर जी स्क्वेयर। जी स्क्वेयर का मतलब क्या है कि नेचुरल ऑफ लॉग ऑफ एक्स जो है इसको होल ब्रैकेट करके आपने ऊपर जी स्क्वेयर लिख देना है, इसका कोई भी आपने डेरिवेटिव किसी तरह का भी आपने इसका डेरिवेटिव नहीं लेना। तो ये जो 4 रूल्स हैं इनको आपने अच्छी तरह याद कर लेना है क्योंकि ये आपको एज अ फॉर्मूला भी आ सकते हैं, और कोई छोटी मोटी इसकी की जो एडिशन या मल्टीप्लीकेशन आ सकती है कि जो आप फिंगर टिप्स पे आसानी से कर ले वो इसी तरह हो जाए हो सकती है जब आपकी प्रैक्टिस हो। तो आप नेट पे जाइए, जब आपको इनकी समझ आ जाए तो गूगल कीजिए कुछ क्वेश्चंस डेरिवेटिव या सिंपल बेसिक क्वेश्चंस ऑफ डेरिवेटिव या इंटीग्रेशन के, तो इनके बारे में आपको इनिशियल टेस्ट में 3 या 4 क्वेश्चंस आते हैं,
तो ज़्यादा इनकी डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो टेस्ट के लिए इतना आपको डेरिवेटिव से रिलेटेड आपका ये मैंने पोर्शन कंप्लीट कर दिया है। ये डेरिवेटिव से रिलेटेड आपका पोर्शन अब कंप्लीट हो चुका। करते हैं इंटीग्रेशन का साइन जो है कुछ इस तरह का होता है। ये आपको साइन इंटीग्रेशन का नज़र आ रहा है। अब इंटीग्रेशन ऑफ वन, वन की जो इंटीग्रेशन होगी उसका जो इसको करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ वन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स। वन की इंटीग्रेशन एक्स होगी एक्स प्लस सी। तो इस सी से आपने कंफ्यूज नहीं होना, इसको बस लिख देना आपने एक्स प्लस सी। सेकेंड फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ ए, ए की इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन ऑफ ए डी एक्स। अब इसको क्या करेंगे, ए को फॉर्मूला से बाहर लिख लेंगे। तो ये इंटीग्रेशन ऑफ वन डी एक्स ये फर्स्ट फार्मूला से रिजेम्बलेंस कर रहा है, तो इसको लिख लेंगे ए एक्स प्लस सी। थर्ड फार्मूला इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन डी एक्स, एक्स की पावर एन डी एक्स का कैसे करेंगे, एक्स की पावर एन प्लस वन, एन प्लस वन जो है वो नॉमिनेटर में दोनों एक्स प्लस एन एक्स की पावर में आएंगे और डिनोमिनेटर में एन प्लस वन जो है वो वैसे उनको लिखा जाएगा सिंपल, इसको पावर में नहीं लिखा जाएगा। और प्लस सी और एन जो है वो इज नॉट इक्वल टू माइनस वन, एन को माइनस वन के इक्वल नहीं होना चाहिए वरना वो कैंसल आउट हो जाएंगे। कोई एग्जांपल लेके इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक्स की पावर फोर ले लेते हैं जिसका हमने इंटेग्रल फाइंड करना है। तो एक्स की पावर एन प्लस वन था तो एन फोर प्लस वन क्या हो गया, फाइव हो गया, और फोर प्लस वन फाइव ऐसे। अब एक्स इंटीग्रल ऑफ एक्स की पावर फोर जो है वो एक्स की पावर फाइव ओवर फाइव प्लस सी। इसी तरह जो बाकी फॉर्मूला फोर है इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स डी एक्स माइनस कॉज एक्स, इसी तरह इनको जो सारे फॉर्मूलाज हैं इनको आपने याद करना है। ये फॉर्मूलाज क्वेश्चंस में यूज़ होंगे, इनको सिंपल आपने बस याद करना है। अब जो 10 और 11 फॉर्मूला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसको एज इट इज़ याद करना है। ये इंटेग्रल ऑफ 1 ओवर एक्स डी एक्स जो है वो नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस सी है। ये दो स्ट्रेट लाइन का मतलब है कि कोई भी वैल्यू जो इसमें होगी वो पॉजिटिव होगी, अगर नेगेटिव भी होगी वो भी पॉजिटिव हो जाएगी। तो ई एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ई की पार एक्स डी एक्स, सो ई की पार एक्स प्लस सी वो एज इट इज़ इसका जो है वो इंटेग्रल आ जाएगा। और जो बाकी 12, 13, 14, 15 ये जो बाकी जो फॉर्मूलाज हैं आपने एज इट इज़ याद करने हैं। यहाँ पे ए ग्रेटर देन ज़ीरो है, ए की वैल्यू ज़ीरो से बड़ी होनी चाहिए और ए जो है वो वन की इक्वल नहीं होना चाहिए। 12 फार्मूला में ये बता रहे हैं। और 13 फार्मूला 14 और 15 सेम एज इट इज़ आप इनको याद करेंगे और इन फार्मूलाज को हम क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे जिससे आपका कॉन्सेप्ट जो है वो और क्लियर हो जाएगा। लेकिन फ़िलहाल आप इन फार्मूलाज को ज़ुबानी याद करें क्योंकि इनिशियल टेस्ट में जो मैथ का जो क्वेश्चंस होते हैं 4 या 5 क्वेश्चंस होते हैं जिसमें ये इंटीग्रेशन डेरिवेटिव से रिलेटेड होते हैं, जो बाकी जिन पोर्शन से रिलेटेड होते हैं। तो वो साथ साथ मैं आपको इस वीडियो में पूरी में कम्प्लीट जो है मैं आपको बता दूँगी। स्टूडेंट्स मैथ का पोर्शन उनको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है क्योंकि कोर्स ज़्यादा है। फर्स्ट में मैंने आपको ये कब बताया, सेकंड वीडियो में मैं आपको इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगी, उसके बाद अलजब्रा ज्योमेट्री के कुछ क्वेश्चंस होंगे और पैराबोला और उसकी डिफरेंट टाइप्स और उसके इंपॉर्टेंट फार्मूलाज डिस्टेंस का फार्मूला वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए और नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह मैं विद इन वन डे के अंदर मैं आप अपलोड कर दूंगी, उसके बाद आप उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिएगा। तब तक अपना, अपने फैमिली मेम्बर्स का, अपने माँ बाप का, अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।